वोटिंग के अंदर सबसे कम परसेंटेज में पाए जाते हैं। कारण क्या है? ये लोग सबसे ज्यादा परसेंटेज में, क्योंकि वो लोग हैं जिनके लिए 100 रुपए मायने रखते हैं। रात को इनकी झुग्गियों में अगर 100 रुपए एक दारू की बोतल दी जाती है तो वो वोट देना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि उस वोट से एक दिन की रोटी सुनिश्चित हो गई। लेकिन ये कब तक चलेगा? अब ये मेजोरिटी डिसाइड करेगी और ये मेजोरिटी जागरूक नहीं है। मैं आप सभी से जो कि ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे हैं उन सबसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस तरह की संस्थाओं का दिल खोल के सहयोग करें, किसी भी तरह से करें, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, किसी तरह से इनके खिलौनों को खरीद लें। मैंने जैसे सोचा कि आज मेरी किताब, मान लीजिए मेरी किताब का मूल्य 500 रुपये है, मान लीजिए 200 किताबों की बिक्री होती है तो 1,00,000 रुपए संस्था को जाएगा। और ये मन से और खुले मन से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप जितनी किताबें खरीदेंगे उसका 100% पैसा मैं इस संस्था को और इन बच्चों के आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे देके जाऊँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बड़े भाई यशपाल जी का यहाँ पधारने पर पुनः आभार, रोहतक की जनता की तरफ से, अभिनव टोली की तरफ से, शिक्षा जगत की तरफ से और कला जगत की तरफ से पुनः अभिनंदन करता हूँ। और जो गणमान्य व्यक्ति अन्य आए हैं, जो समय निकाल के इस गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं, एक अंतिम बात कह दूँ, ये वो चुने हुए व्यक्ति हैं जिनको गरीबी की खरोंच कहीं ना कहीं लगी थी। यहाँ वो व्यक्ति नहीं है जो सोने के पालने में पैदा हुए थे, अगर कोई है तो हाथ उठा सकता है यहाँ पर। ये व्यक्ति वो है जिन्होंने इस गरीबी की खरोंच को कहीं न कहीं सहन किया, इसलिए आज इनके पास यदि समय, यदि सामर्थ्य है तो वे ऐसे कार्यक्रमों में अपने अन्य अच्छे बड़े कमाई के कार्यक्रमों को छोड़ के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालते हैं और सहयोग देते हैं। और ऐसे ही सहयोग की इस तरह की संस्थाओं को आवश्यकता है। मैं जगदीप भाई का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने समय दिया, और आप सभी का जो इस तरफ बैठे हैं जिन्होंने ऐसी संस्थाओं में विश्वास जगाया और आपने स्वयं देखा कि आपके बच्चे क्या कर सकते हैं। मैं आपको 4 नाम अंत में गिनाना चाहूँगा और उसकी हामी बड़े भाई यशपाल जी से भरवाना चाहूँगा। क्रिकेट के भगवान को आप किस नाम से जानते हैं? सचिन तेंदुलकर। 10वीं के बाद रेगुलर पढ़ाई नहीं है। स्वर कोकिला, जो कि दुनिया में सबसे अच्छा स्वर रखती है, किस नाम से जानते हैं? लता मंगेशकर, जिन्होंने 6ठी के बाद रेगुलर पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मानद उपाधि तो उनके पास PhD तक की है लेकिन रेगुलर पढ़ाई कहाँ तक की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे मान लीजिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये मंच अगर चलाना सीख गए तो हमारे पास अनेकों यशपाल शर्मा और अनेकों अमिताभ बच्चन यहीं से पैदा हो जाएंगे जिनके लिए किताबों की अहमियत नहीं होगी। किसी ने बहुत खूब कहा है, इन नन्हे नन्हे बच्चों को बस चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर उमेश जी और निशा जी का मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे आने पे। और हेलो, हेलो, गुरु। और ये नाटक हम हमारे परिवार के साथ कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अरे क्या देखा होगा, बता दो। ये नहीं बता क्या देखा? अच्छा, आहो दिखाया ही नहीं, देखेंगे तो तब, जब हम दिखाएंगे तो बच्चा पार्टी। ए बच्चा पार्टी। हाँ तैयार? तैयार। देखिए नाटक कोमल। थैंक यू सो मच बच्चों। एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंस एक्ट 2012 को जो एक्ट को बनाया गया और जो कि हरियाणा में 2013 में लागू किया, जिसके बाद किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो बोला जाता है, POCSO, तो उसके तहत धाराएं अंडर सेक्शंस लगते हैं। ये नॉन पेलेबल है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसकी कोई भी धारा लग जाती है तो वो नॉन पेलेबल है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में कृपया आप अपने बच्चों को कम से कम गुड टच और बैड टच तो बता ही सकते हैं, ताकि वो बच्चे सुरक्षित माहौल में अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। क्योंकि मैं जो ये एक्ट है पॉक्सो,
मैं रोहतक में उसी को देखती हूँ, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ रोहतक में। तो हमारा काम ऐसे बच्चों को सुरक्षित माहौल देना और उनको एक कानूनी सहायता दिलाना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें ताकि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ ना हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी काजल से, काजल ग्रुप से, जो पार पगा दो बहना चुपकी चुनरिया पे एक ग्रुप डांस प्रस्तुत करना चाहेंगी। और मैं ओपी वशिष्ठ जी का, जो कि ब्यूरो चीफ हैं दैनिक जागरण के, उनका तहे दिल से यहाँ आने पे स्वागत करती हूँ। काजल ग्रुप, जिसने साक्षरता के दौर में बहुत ज्यादा साक्षरता के संदेश को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान किया था, और आपके बीच में पार पगा दो बहना चुपके चुनरिया, खास बात यह है कि ये गीत इन्हीं में से तीन लड़कियों ने गाया है। पक्ष सोसाइटी की अभिनव टोली की बच्चियां हेमलता, काजल राज, सपना आपके सामने पेश कर रही है रामफल जख्मी जीवों का लिखा हुआ गीत पार बगा दो बहना चुपकी चुनरिया। संगीत दिया है सुरेंद्र शर्मा जीओं ने।
आपके बीच में अभिनव टोली की बच्चियों का ही गाया हुआ गीत और इन्हीं का निश्चय नृत्य भी कह सकते हैं, इसको नाटक भी एक तरीके से कह सकते हैं। ये अपनी बात एक दृश्य के रूप में भी आपको बताता है। अभिनव टोली के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों का ये सवाल होता है कि ये सारी चीज़ें आखिर चलती कहाँ से, क्योंकि फाइनेंशियल पक्ष बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था को चलने के लिए। अभी जनवरी तक हम ज़्यादातर लोगों का सहयोग नहीं ले पा रहे थे। जनवरी से हमने शुरुआत की कि कुछ लोग पर मंथ हमें डोनेशन दे, उनमें से लगभग 5-6 साथियों ने हमें पर मंथ, किसी ने 1000, किसी ने 500 हमें सहयोग दिया, तो लगभग 6000 रुपये हमारे पास मंथली आ रहे हैं। और अभिनव टोली का खर्च महीने का लगभग 25000 रुपये है, क्योंकि लगभग 150 बच्चे हर दिन हमारे पास आते हैं। और अभिनव टोली में अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, पिछले 2 महीनों से 6 लड़कियां इंचार्ज बनाई है अभिनव टोली की। ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनल शिक्षक ही बच्चों को शिक्षा दे पाता है, उनमें से जो बड़ी लड़कियां हैं वो छोटे बच्चों को गाइड करती हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं, उनको गाइड भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि जो उनको समझ में नहीं आता है वो समझाने की कोशिश करती हैं। और फिर आपस में ग्रुप में बैठकर जिस चीज़ को जो जो आता है वो आपस में समझाता है, क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशनल का खर्चा भी वहन नहीं कर पाए हैं। 6 लड़कियों का एक और ग्रुप है जिसमें नंबरिंग है सबकी, और जूनियर भी हमने अभी इनके बीच में बनाई है कि सारी की सारी की अभिनव टोली अब लड़कियों के हवाले हम सोचते हैं अगले कुछ दिनों में कर दें, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है, ये जगदीप का काम नहीं है, ये कुलदीप का काम नहीं है, ये ब्रह्म प्रकाश जीयों का नहीं है, ये आपका नहीं है, ये सबका काम है। और ये जो लड़कियां हैं ये आगे चल के एक एक अभिनव टोली चलाएं, इसकी हम गुंजाइश मानते हैं। सारा रिकॉर्ड अभिनव टोली का बच्चों के पास है, कहाँ से क्या आता है क्या जाता है, क्योंकि जब तक ये सीखेंगे नहीं कि कहाँ से सहयोग आ रहा है और कौन दे रहा है, तब तक ये मन लगा के पढ़ नहीं सकते, ना उस चीज़ उस अहमियत उस पैसे की या उस किताब की या उस कॉपी की उस पेंसिल की ये समझ नहीं सकते हैं कि वो कितनी मेहनत से उनके पास आई है और उसका वो सही से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियली कंडीशन और अभिनव टोली का आगे का कि लड़कियों के 3 ग्रुप हों, हम ये समझते हैं 6-6 लड़कियाँ, सीनियर जूनियर सब जूनियर, आगे इनके हवाले अभिनव टोली करेंगे हम, लेटेस्ट मतलब इस महीने ये चुन लिए जाएंगे और यही ये सारी चीज़ें चलाएंगे आगे। वैसे आज यहाँ मेरी और पूनम की जगह खड़ा तो 2 लड़कियों को होना था, लेकिन वो कल्चरल इवेंट में ज़्यादा सक्रिय हैं तो हमारी मजबूरी रही कि पूनम जी से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप ही पूरी तरह से इसको संभालें। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संभाला, और आप लोगों के बीच और यशपाल जीओं के बीच में ज़्यादा व्यवधान न डालते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों से और आपसे रूबरू हों, यशपाल शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप इनकी अदाकारी देख सकते हैं कहीं। नमस्कार। ऐसे कोई तैयारी नहीं करके आओ कि क्या बोलना है, ना ही करने चाहिए वैसे, लेकिन बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ हैं, टीम वर्क बहुत कमाल का है और सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। मैं अंदर भी घूम के आया तो मतलब कई बार हमको लगता है कि गरीबी अभिशाप है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने काबिल हैं। हाँ, लेकिन उनको दिशा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और शिक्षा भी 97% वाली नहीं, 97% मार्क्स आने चाहिए, वो वाली शिक्षा नहीं। शिक्षा
आज गुलजार साहब के भी यही शब्द हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, कई बार मैं उनको बहुत मानता हूँ, गुलजार साहब को एज ह्यूमन बींग, एज एन आर्टिस्ट, एज ए लेखक, एज ए करेक्टर, मतलब सब कुछ की समझ उनको बहुत कुछ है। तो गुलजार साहब का भी यही कहना है कि अगर हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए तो सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो शिक्षा क्या है, वो 97% मार्क्स की नहीं, वो शिक्षा है इंसानियत की, खुददारी की, बूस्टअप करने की, एक दूसरे को हेल्प करने की, इमेजिनेशन की, कल्पना की, मतलब जो जो रंगमंच जो इसमें सबसे ज्यादा, तो उस रंगमंच के अंदर सारी विधाएं शामिल हैं। रंगमंच के अंदर म्यूजिक भी है, पेंटिंग भी है, कलाकृतियां भी हैं, स्कल्पचर भी है, आर्किटेक्चर भी है, सिनेमा के वो पर्दा भी है, अगर वो लगा दें तो सब कुछ, डांस भी है, सब तरह के डांस हैं। तो रंगमंच एक ऐसी विधा है जो, मेरा मकसद यही था एक बार, लेकिन मजबूरी मुझे बॉम्बे ले गई, मेरा मकसद यही था कि मैं हरियाणा में गांव गांव जा करके और स्कूल स्कूल जा करके, खासकर सरकारी स्कूलों में